हेलो नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम करने वाले LLB और फाइनल ईयर के लेबर लो के एम सी कि कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों द इम्यूनिटी अंडर सेक्शन सेवनटीन ऑफ ट्रेड एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स इज अगेंस्ट व्यापार संघ अधिनियम उन्नीस सौ छब्बीस की धारा सत्रह में किसके विरुद्ध छूट प्राप्त है किसके विरुद्ध दोस्तों आपको अंडर सेक्शन सेवनटीन आपको देखना है से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा है ठीक है कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं बाकी आपको बता देता इन ऑफ द द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट वर्कमैन निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चिकित्सीय प्रतिनिधि कर्म नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जे जे डी चाने वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जे एंड जे बनाम स्टेट ऑफ केरला के केस में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में दोस्तों पांच से छह एक्ट आ रहे हैं आपको पता ही है ये यूनियन ट्रेड एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स इसको भी आपको करना कवर व्यापार संघ अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत व्यवसाय संघों का सम्मेलन दिया गया है सेक्शन ट्वेंटी फोर सेक्शन ट्वेंटी फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बार आप द फर्स्ट कम लास्ट गो एंड द लास्ट कम फर्स्ट गो रूल इज एसोसिएटेड विद पहले आओ और बाद में जाओ बाद में आओ पहले जाओ यह किस से संबंधित है रिट्रेंचमेंट छटनी से संबंधित है किस से से कंपनी में क्या होता है कि फैक्ट्रियों में वो सर लेबर होते हैं लेबर को छट्टी कर देते हैं हटा देते हैं तो इस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन नाइन ए ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज व्यापार संघ अधिनियम उन्नीस की धारा नौ ए के अनुसार व्यापार संघ का सदस्य बनने की न्यूनतम अहता क्या है न्यूनतम क्या है दोस्तों इसका आंसर है सेवन क्या है सेवन ठीक है न्यूनतम सदस्य बनने की मेंबरशिप है सेवन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ट्वेंटी सिक्स व्यापार संघ के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रावधान ठीक है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सेक्शन में बताया गया है सेक्शन टेन सेक्शन टेन में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपको खुद करना है ठीक है पे देख देख लो एक क्वेश्चन सेक्शन सेक्शन आपको देख लेना है, इनमें section में कौन सा आपको दिखता है अंडर विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन पहले हमने कौन सा एक्ट पढ़ा था नाइनटीन यूनियन ट्रेड एक्ट अब दूसरा कौन सा है फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन अंडर सेक्शन विथ सेक्शन ऑफ फैक्ट्री नाइनटीन फोर्टी एट फेंसिंग ऑफ मशीनरी इज प्रोवाइडेड कारखाना अधिनियम के किस धारा में मशीनरी पर बाढ़ लगाना प्रावधानित है सेक्शन ट्वेंटी वन सेक्शन ट्वेंटी वन विच ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोहाइिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों का कारखानों में नियोजन निषेध किया गया है आर्टिकल कौन सा आर्टिकल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में बताया गया प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम की न्याय संगत और मानव वोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है आर्टिकल 42, 42 में आर्टिकल 42 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दो तीन क्वेश्चन जो होते हैं आर्टिकल में यही मेन आते हैं हर बार विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डील्स विद रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू बोर्ड्स कोर्ट और ट्रिब्यूनल औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की कौन सी धारा विवादों का बोर्ड न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश संबंधित है कौन सी धारा अभी बताओ सेक्शन टेन क्या इसका सेक्शन टेन अब देख लो तीसरा एक्ट आ गया ये औद्योगिक विवाद अधिनियम पहले कारखाना अधिनियम था उससे पहले कौन सा था यूनियन ट्रेड एक्ट हु फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत का पहला श्रम मंत्री कौन है जगजीवन राम अभी का ही पूछ सकता है वर्तमान का अभी का श्रम मंत्री कौन है ठीक है वो देख लेना अंडर सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द पावर ऑफ इंस्पेक्टर हैज डिफाइंड कौन सी धारा में निरीक्षक की शक्तियों को परिभाषित किया गया है इसका आंसर है धारा नो धारा नो में सेक्शन टू ए ऑफ फैक्ट्री एक्ट डिफाइन द टर्म टू ए कारखाना अधिनियम उन्नीस में क्या बताया गया है अडल्ट के बारे में किसके बारे में अडल्ट के बारे में वैश्विक को परिभाषित किया गया है ठीक है ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पर फैक्ट्रीज एक्ट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कारखाना अधिनियम के अनुसार कारखाने में निम्नलिखित शामिल नहीं हो सकते हैं मतलब कारखाने में क्या क्या शामिल नहीं हो सकते टू और आर्म्स फोर्स एक्ट या रेलवे रनिंग सेड तो ये सब नहीं हो सकते ऑल इसका आंसर है ये सब फैक्ट्री एक्ट में शामिल नहीं हो सकते खुद से करना है ठीक है देख लो स्क्रीन शॉट करके इसको भी करना है कि अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट में सेक्शन सिक्स ए टू सिक्स ए को जोड़ा गया

के बी टू के बी में प्रैक्टिस औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस सौ सैंतालीस के अनुच्छेद कौन से uh, मतलब कौन से अनुसूची में बताया गया है शेड्यूल uh, फिफ्थ में किसमें फिफ्थ शेड्यूल में हेल्थ अंडर चैप्टर थ्री ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंक्लूड कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय तीन में क्या शामिल किया गया सभी ऑल अब क्या है क्लीनलीनेस लाइटनिंग मतलब कि फैक्ट्री के अंदर सफाई होनी चाहिए रोशनी होनी चाहिए थूकदान होना चाहिए तापमान वेंटिलेटर होनी चाहिए टेम्परेचर सही होना चाहिए ठीक है तो ये सभी इसमें बताया गया है नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डील्स विद वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट कारखाना अधिनियम की 1948 का कौन सा अध्याय वैस्को के काम के घंटे से संबंधित है चैप्टर में बताया गया है है नेक्स्ट क्वेश्चन आर द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज द प्रेजिडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए एक व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ठीक है भाई जो लेबर कोर्ट होते, होते है उसके प्रेसिडेंट होते हैं जो उनके जज साहब होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो उनके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो इसमें सेक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन में सेक्शन सेवन, सेवन को आपको पढ़ लेना है सेक्शन सेवन में यही बताया गया ही इज और हैज़ बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो ही इज ही हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर अ पीरियड थ्री इन uh, कम से कम तीन वर्ष की कालाअि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश रह चुका हूं ठीक है देखो तो, और तीसरा इसमें लिखा है भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष तक धारण कर चुका तो इसके आंसर दोस्तों ये तीनों है तीनों का मतलब इन ये तीनों चौथा भी हो सकता है मतलब चौथा तो इसके अंदर सेक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है उसमें और कुछ बताया गया है तो आपको क्या करना है सेक्शन सेवन कर लेना है और देखना है कि जो अपॉइंटमेंट किया जाता है जो जज होते हैं उसके ठीक है लेबर कोर्ट के उसकी क्या योग्यता है तीनों तो है तीनों है बाकी चौथा आप देख लेना ठीक है तो इसमें पता नहीं इसमें आपको देखना है कौन सा है ठीक है या तो इसका डी हो जाएगा सभी हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट कम अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये आपको करना है इसका आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट आर फोर्टी टू टेक करनाबल ऑफेंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी थर्टी फोर को uh, न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस सौ सैतालीस की धारा चौतीस के अंतर्गत अपराध का, का संज्ञान ले सकती है ले सकती है नहीं ले सकती है दोस्तों इसमें लिखा है कि नहीं ले सकती है ठीक है कोई नहीं ले सकती है तो नॉन ऑफ अब कोई नहीं ले सकती है ये क्वेश्चन करना है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉक आउट्स हैज बीन गिवन कौन सी धारा में हड़तालों और तालाबंदियों के प्रतिशेष से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन ट्वेंटी टू वैन फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट केम इनटू एग्जिस्टेंस कारखाना अधिनियम उन्नीस सौ अड़तालीस कब परिवर्तनी हुआ एक अप्रैल उन्नीस सौ उनचास ठीक है अ चाइल्ड सेल बी इंप्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री कोई बालक किसी कारखाने में नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात किया जाए इसका आंसर चाइल्ड इज़ नॉट परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री बालक को कारखाने में काम करने के लिए अनुज्ञात मतलब परमिशन नहीं है इसमें लिखा है कि कितने घंटे तक काम कर सकते हैं आधे घंटे मतलब आधे दिन के लिए चार घंटे के लिए मगर चाइल्ड को तो परमिशन ही नहीं है काम करने की फैक्ट्री में ला नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स दैट कैंटीन सेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ यूज ऑफ वर्कर्स इन एनी फैक्ट्री वेयर इन वर्कर्स एम्प्लॉयड राज्य सरकार यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि, कि किसी निर्दिष्ट कारखाने में कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा जहां कर्म का नियोजित किए जाते हैं इसमें लिखा है मोर देन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ढाई सौ से अधिक ढाई सौ से अधिक रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ क्रेचेज ठीक है शिशु कक्ष से कौन सा सेक्शन संबंधित है फोर्टी एट सेक्शन फोर्टी एट है इसका आंसर ठीक है ए इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन फोर्टी एट गुरु गुरुपदास गुरुपदास स्वामी कमिटी 1979 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द वर्किंग कंडीशन ऑफ गुरुपद स्वामी समिति 1979 में काम करने की परिस्थितियों को देखने के लिए बनाई गई थी किन परिस्थितियों को देखने के लिए चिल्ड्रन के चाइल्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन अ वर्कर इज एंटाइटल फॉर एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर कर्मकार कब अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी के लिए पात्र है मतलब जो वर्कर होते हैं वे ज़्यादा काम कर लेते हैं ओवर टाइम तो कब उनको आ, कब तक पैसा मिलेगा इसमें बोला वेन अ वर्कर वर्क्स इन फैक्ट्री फॉर मोर देन नाइन आवर्स इन अ डे जब कर्म कार कारखाने में किसी दिन नौ घंटे से अधिक काम करता है तो उसको ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग कमेटी अंडर सेक्शन स्टैंडिंग कमिटी अंडर सेक्शन एट ऑफ इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कंस्टिट्यूट्स कर्मचारी राज्य उन्नीस सौ 1948 की धारा आठ के अंतर्गत स्थायी समिति गठित की जाती है तो इसके अंदर दोनों बताए गए हैं ठीक है ठीके? सी इसका आंसर है जो स्थायी समिति होती है स्टैंडिंग कमिटी जो होती है उसके चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं उनके मेंबर भी सेंट्रल गवर्नमेंट गुर्ण्में, के द्वारा चुने जाते हैं तो सी इसका आंसर है ए और बी दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी डील्स विद पेनल्टी कर्मकारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम उन्नीस की कौन सी धारा आ, अध्याय मतलब शास्त्रों से संबंधित है पेनल्टीओ से संबंधित है कौन सा चैप्टर है अब मैं इसको चैप्टर आपको खुद से देखना है इसका एट्टी फाइव है क्या है सेक्शन एट्टी फाइव में बताएगा ये देखना कौन से चैप्टर में हाउ मेनी सेक्शन देर अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम उन्नीस में कितनी धारा है सौ धारा है? है कितनी हंड्रेड सौ धारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्राइट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन टू ए ऑफ इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी राज्य कर्मकारी अधिनियम उन्नीस सौ अड़तालीस की धारा दो एक में परिभाषित कौन सम्मिलित नहीं है समुचित सरकार में कौन सम्मिलित नहीं है इसका आंसर आपको देखना है टू ए में बाकी कौन है ये स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट आगे है इंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ऑफ एंप्लॉयज इज द प्राइमरी पर्पज कर्मचारी के लिए सफाई स्वास्थ्य और कल्याण की व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है को किस किसमें बताया गया फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फोर्टी एट में ठीक है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंप्लॉयिज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 पावर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज आर गिवन राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम उन्नीस सौ अड़तालीस किस धारा में स्थायी समिति की शक्तियां वर्णित की गई है धारा अठारह में सेक्शन 18 में ये नाइनटी बी कब आया नाइनटी बी कौन सा अमेंडमेंट में आया आपको देखना है सेक्शन आ जाइए फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बीन जनरल इसमें लिखा है जनरल पावर टू मेक रूल अंडर फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट किसके पास नियम बनाने की साधारण शक्ति है स्टेट गवर्नमेंट किसके पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास है हु इज हैविंग पावर टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन इंप्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम में अपराध के विचारण से करने की शक्ति किसके पास है एमएम के पास है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोथ दोनों के पास है ठीक है महानगरीय मजिस्ट्रेट और नायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन अधिनियम के अंदर व्यक्ति कौन है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट बहुत आंसर है ठीक है जब आप फैक्ट्रीज एक्ट में जब चाइल यंग पर्सन का वो पढ़ोगे डेफिनेशन तो उसमें ये लिखा है चाइल्ड एंड एडोले ठीक है तो बहुत बो, दोनों हो जाएगा अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ड्यूटीज ड्यूटीज ऑफ ऑफ कोर्ट कोर्ट किस में दी गई है न्यायालय के कर्तव्य किस में बताया गया कौन से सेक्शन में सेक्शन फोर्टीन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा कथन सत्य है इसमें देखना कौन सा सही है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन सिक्स इसका सही आंसर है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें लो हिंदी मामा वहाँ पर आपको ये पी मिल जाएगी ठीक है तो बाकी इनके कौन से सॉल्व कीजिए पाँच छः एक्ट आएंगे जिसमें से आपको अच्छे तरीके तैयारी करनी है लेबर को लो की क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कई बार और पिछले साल क्वेश्चन से पढ़ लेना और भी ज़्यादा दो हज़ार बीस की भी कर लेना ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद